फॉर्मेट स्पेसिफायर ये हम किस लिए यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई भी वैल्यू स्कैन करना हो, अगर हमें और या फिर आउटपुट देना हो, तो जनरली हमें ये पता है कि जो सी प्रोग्राम है, जो सी कंपाइलर है, ये डायरेक्ट मेमोरी से इंटरेक्ट करता है। तो उस वक्त क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल हम जब डिक्लेयर करते हैं तो उसे कितना स्पेस चाहिए ये मतलब मेमोरी में उसे स्टोर करने के लिए, तो ये जो होता है ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू पता चलता है। एक और बात है कि जब अगर वैल्यू को फेच करना होगा तो जनरली इसमें क्या होता है, जो भी वेरिएबल होते हैं एक सिंपली एक मेमोरी एड्रेस होती है, एक पॉइंटर होता है, तो वहाँ से वैल्यू को कितना, अगर इंटीजर है तो 4 बाइट, तो जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ से लेके 4 बाइट तक वो डेटा फेच करता है और प्रिंट करता है। तो ये हमारे पास मतलब अभी बहुत सारे हैं, जैसे इंटीजर हैं, अनसाइंड है, लेकिन जो जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो ये है। फॉर्मेट स्पेसिफायर को कई जगह आपको कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन भी मिल सकता है। यहाँ पे क्या है कि इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग, फ्लोट, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो जो इंटीजर है तो इसके लिए %D या I यूज़ होता है, कैरेक्टर के लिए C, स्ट्रिंग के लिए S, फ्लोट के लिए F, E और ये जो E वाला है ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में होता है, O ऑक्टल के लिए, हेक्साडेसिमल के लिए X। यहाँ पे अब जैसे अगर बात करें तो अगर इंटीजर इंटीजर अगर हमारा 4 बाइट का है और अगर उसमें 8 स्टोर है, तो अब क्या है कि जैसे ये हमने एक मेमोरी ले लिया, एक स्पेस मेमोरी में, और इसका जो साइज़ है हमारा 8 बाइट हो गया, नहीं 4 बाइट, इंटीजर अगर है तो 4 बाइट, तो यहाँ पे क्या है कि 1 बाइट में 8 बिट्स, तो यानी कि टोटल 32 बिट्स। तो 8 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो इतना आया, तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द जो प्लेसेज हैं यहाँ पे 0 रहेगा। तो अब इसको जब फेच करना होगा डेटा, तो ये ए सिंपली एक मेमोरी का पॉइंटर है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो इसे जब फेच करना होगा तो यहाँ से लेके और फिर ये देखेगा इसका जो इंटीजर है इसका स्पेसिफिकेशन, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या, तो %D, यानी कि उसे डी जब पता चला तो यहाँ से लेके 1 2 3 मतलब 4, तो 4 बाइट यहाँ से जो होगा डेटा वो लेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा, फिर शो करेगा। तो इसीलिए हमारा जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं। अगर फिर स्कैन स्कैन के लिए भी जब यूज होता है तो सिंपली वो जो वैल्यू को स्टोर करेगा, तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे कैरेक्टर है तो बस 2 बाइट लेगा और यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो अब इसके लिए जो हम जो सबसे ज़्यादा मतलब मेनली जो दो फंक्शन यूज होते हैं, स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ, फर्स्ट जो है स्कैन करने के लिए और जो सेकेंड है वो प्रिंट करने के लिए। तो अब अगर कोई भी वैल्यू हमें स्कैन करना होगा, जैसे हमारे पास अगर एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, तो अब इसमें हमें वैल्यू लेना है तो हम क्या लिखेंगे, स्कैन एफ, यहाँ पे क्या हो गया %D, यहाँ पे हम आई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इंटीजर है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या हो गया यूज़ करेंगे एड्रेस, ये जो एम्पर सेंड का साइन, और यहाँ पे हमने ए दे दिया। तो ये क्या होगा कि जैसे एक मेमोरी में हमारा एक स्पेस ले लेते हैं, ये ए हो जाएगा, इसका कोई एड्रेस होगा। तो अब ये जब हम स्कैन एफ लिखेंगे तो ये क्या होगा, 4000 हो गया, मतलब यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का, और एड्रेस क्या है 4000। तो यहाँ पे जाके हमारा जो वैल्यू है, सपोज कि यूज़र ने 5 दिया, तो ये जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ध्यान रहे कि ये जो है मैंने बस मेमोरी का जो है इनिशियल एड्रेस होगा, ये इंटीजर है तो 4 बाइट का स्पेस लेगा और वहाँ पे 5 स्टोर होगा एज ए बाइनरी में, तो वहाँ पे स्टोर हो गया। तो ये स्कैन एफ वैल्यू को हम स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अगर हमारा प्रिंट एफ, अगर प्रिंट करना है %D, और प्रिंट करते वक्त हमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट ये जो वेरिएबल नेम से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि जो स्कैन एफ में इसमें एम्परसेंट का यूज होता है, प्रिंट एफ में नहीं होता है। और ये स्कैन एफ और प्रिंट एफ ये क्या है, एक फंक्शन है, और ये जो है हम इनको जो भी हमें स्कैन मतलब स्कैन में चाहिए तो हम डबल कोट्स के अंदर में लिखते हैं, और ये जो भी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये किसके जगह पे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हम एड्रेस लिखते हैं। तो अब सिंपली अगर चाहे वो नेक्स्ट प्रोग्राम में, अगर एक सिंपल सा प्रोग्राम वो नेक्स्ट में बताता हूँ। तो अभी क्या है, जैसे अब हमें कि एक वैल्यू स्टोर करना है 067 ऐसे ऑक्टल में, तो इसको हम क्या करेंगे, स्कैन है, और यहाँ पे हमने क्या लिख, ऑक्टल, यहाँ पे ऑक्टल लिख सकते हैं,
और यहाँ पे एड्रेस ऑफ, और यहाँ पे सपोज़ कि एक ये वेरिएबल हो गया बी, इसका एड्रेस समथिंग 4096 हो गया, तो यहाँ पे जाके 067 स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे बी लिख दिया। फिर फेच करना होगा तो हम यहाँ पे बी इस प्रिंट एफ का यूज़ कर सकते हैं। एक और बात ये है कि अभी हमने ये क्या होगा कि एड्रेस से यहाँ पे अगर हम ओ नल लिख के इंटीजर भी लिख सकते हैं, तो यूज़र जैसे ही इनपुट देगा 067 तो कंसीडर कर लेगा ओके, मतलब यहाँ पे ज़ीरो उसने यूज़र ने दिया ओके, इसका मतलब कि वो ऑक्टल है। यहाँ पे ये ऑक्टल, यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे हमने जो वैल्यू दिया ये ज़ीरो है, तो ये एज अ ऑक्टल ट्रीट होगा। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये बस हमें याद रखने की ज़रूरत है, बाकी ये स्कैन एफ प्रिंट एफ वो तो इतना यूज़ होगा कि खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की।